नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू दी अनफोल्डिंग प्ले। एक और नया दिन और सफ़र चालू हो गया है। मैं और बटर जो है निकल चुके हैं राजौड़ से, और आज हम कहाँ रुकेंगे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट इतना पता है कि आज हम लोग जो है अपना एवरेज कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 10-12 किलोमीटर चलेंगे। और आई थिंक लावरिया नाम है, मेरे दिमाग में लवेरिया चल रहा है पता नहीं क्यों, पर लावरिया नाम है शायद गांव का, दोबारा चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग को रूम लॉज मिल जाएगा, और मुझे थोड़ा काम करना है एडिटिंग का, बहुत पीछे रह गए हैं, तो सोचा क्यों ना आज थोड़ा कम चल के कल जल्दी चले। बाकी मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, और मुझे लगा था थोड़ी बहुत बारिश होगी, बट अच्छा खासा 1-1.5 घंटे बारिश हुई, तेज़ नहीं हुई, मीडियम पेस पे पर बारिश हुई, मौसम ठंडा हो गया, जिससे अच्छी बात यह है कि हम आराम से निकल सकते हैं। आराम करते करते हम लोग जो है 8:40 पे निकले, और वहाँ पे जो लोग थे मंदिर पे, गांव के लोग स्पेशली दद्दू जो थे, बहुत ही प्यारे थे और बहुत ही सपोर्ट किया लोगों ने रहने के लिए, पानी वानी के लिए और सभी चीज़ों के लिए। बस हमारे सफ़र में ऐसे ही अच्छे लोग मिलते रहे, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। बाकी हमारी बटर मैडम फुल ऑन तैयार होके अपनी हार्नेस पहन के चल रही हैं बटर के लिए, बस आइसक्रीम रह गई, आइसक्रीम खिलानी है, आज आइसक्रीम खिलाएंगे बटर को। क्या बोलते हो बटर? नहीं नहीं आज खिलाऊंगा, कल मिली नहीं इसलिए। हाँ हाँ देख लेना पक्का खिलाऊंगा। हम लोगों ने गाइज आज रास्ता चेंज कर लिया है, कल हम लोग शॉर्टकट से गए थे, आज हम लोग लंबे रास्ते से ही जा रहे हैं ताकि चाय वाय की दुकान मिलती रहे। हालांकि 10-12 किलोमीटर ही चलना है, पर अगर हम लोग इस रास्ते से नहीं जाते तो लावरिया छूट जाता और हम लोगों को उधर से पीछे से कहीं से जाना पड़ता 18-19 किलोमीटर कल की तरह बिना खाने के। यहाँ पे क्या है कि मेन रोड है और बाकी गाँव वालों के घर हैं, भैंसे वैसे बंधी हुई हैं, यहाँ तो बाहर लोगों के घर मेन रोड पे ही हैं, रोड तो खैर बाद में बनी है, पर ये वाली स्पेशली रोड तो शायद थोड़ी बाद में ही बनी है। एक चीज़ मैंने गाइस नोटिस करी है, बटर के आगे वाले राइट पैर में जो है थोड़ी कुछ दिक्कत हो रही है शायद, क्योंकि बटर जो है लिंप कर रही है, अगर आप ढंग से देखोगे तो प्रॉपरली नहीं चल रही, लिंप कर रही है, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, आगे रुक के चेक करते हैं एक बार, जस्ट अभी दिखाई दिया मुझे। और वहाँ पे जो है चाय की दुकान है, वहाँ पे रुक के एक बार बैठे का पैर चेक करते हैं, और अच्छा है कि आज कम ही चल रहे हैं, एक बार रेस्ट देके के लगता है ज़्यादा कुछ है, शायद कांटा चुका होगा, बट इतना लिंप नहीं होना चाहिए। देखो इस गांव का नाम क्या बताया? ये सारोटी है। सारोटी, हाँ सारोटी में आएगा, हम लोग चाय की दुकान मिल गई हम लोगों को, और रद्दू बटर को पानी पिलाया थोड़ा, हम लोग आगे चलेंगे चाय पी के, 5 किलोमीटर रह गए। तो इस बटर में निकल गए हैं, ये संडाला गांव है, इससे थोड़ा 100 मीटर पीछे बैठ के चाय पी थी। यहाँ से आगे 5 किलोमीटर में लवरिया पड़ेगा, लवरिया में बोल रहे हैं कि रूम लॉज है तो वहाँ जा सकते हैं। बाकी बटर मैडम को मैंने चेक किया, एज सच मेरे को कुछ पैर में दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लग रहा है कैंप में कल सोते हुए बटर का जो पैर है राइट वाला वो उस के ऊपर सो गए, या वेट पड़ा है, ऐसा कुछ हुआ उस टाइम, मेरा भी आम रहा हो और बटर को पता ना चला हो, तो दबने की वजह से शायद थोड़ा दर्द कर रहा है, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि हम लोग जल्दी रुक जाएंगे, डिसीजन ले लिया जल्दी रुकने का, और लोगों से पता तो किया है, लोग बोल रहे हैं कि राजौड़ से छोटा गाँव है लावरिया, पर रूम लॉजिंग है वहाँ पर, और गूगल पे देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, गूगल पे ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है कि वहाँ पे होटल है, रूम है, लॉज है, कुछ भी नहीं, गूगल में तो 40 किलोमीटर तक नहीं दिखा रहा, तो पर लोगों ने बोला है कि है, और पीछे चाय वाले भैया ने तो बोला है कि भैया 2-3 रूम लॉजिंग पड़ेगी आपको, तो आप आराम से रुक सकते हो, तो हम जो है रुक जाएंगे आराम से, और अगर रूम लॉज नहीं मिला तो कोई और ऑप्शन देखेंगे, मंदिर वंदिर में कहीं कैंप लगा के जल्दी रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बटर को ताकि स्ट्रेस ना हो। अच्छा हुआ बारिश से पहले जो है लोगों की फसल वसल कट गई है सोया की, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। अगर आप वहाँ देखोगे देखो पॉलीथीन बिछा रखी है लोगों ने सोया के ऊपर कटी है, क्योंकि नहीं तो
बारिश से जो है थोड़ा नुकसान हो जाएगा अभी। मैंने एक लोकल से पूछा था, उन्होंने बोला था कि जब खाड़ी रहती है ना सोया, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, स्पेशली जब थोड़ी बहुत बारिश पड़े तो, क्योंकि पानी जो है रुकता नहीं है, नीचे गिर जाता है। और जब कट चुकी वो फसल, जैसे सोया कट चुका है और वो रखा हुआ है साइड में ले जाने के लिए, तो उस पर अगर पानी गिर गया तो फिर सब खराब हो जाएगा और वो बेचने लायक नहीं रहेगी। तो यार फार्मिंग भी मतलब जो है बहुत कठिन जॉब है, और वेदर के ऊपर डिपेंड करना, मतलब सोचो आप, और हर सब्जी का 3 या 4 महीने का सीज़न रहता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है, स्पेशली तब जब सारा काम जो है वो मौसम पे डिपेंड करता है। और आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में या किसी भी चीज़ के चक्कर में बोलो, टेम्परेचर से लेके मौसम से लेके हर चीज़ पलटी खा रही है, कहीं भी बिन बताए बारिश हो रही है और कहीं ज़्यादा ही गर्मी पड़ जा रही है, तो एक्सट्रीम मौसम है। ऐसे एक्सट्रीम मौसम में रहना तो डिफ़िकल्ट है ही, पर खाना उगाना मतलब खेती करना और भी डिफ़िकल्ट है। तो ये लबरिया गांव एंटर कर गए हैं हम लोग, अब हम लोगों को यहाँ से आगे जाके रूम लॉस देखना है। बटर मैडम जो है पहले से काफ़ी ठीक हो गई है, मतलब चलते हुए ही मेरे को वही लग रहा है कि बटर का जो है पैर दबा रह गया था इसी रात को सोते हुए, इसीलिए मैडम चल नहीं पा रही थी। बाकी अभी एकदम बढ़िया है, पर तो भी हम लोग रेस्ट करेंगे, बटर के पैर को आराम दे देंगे और मैं एडिट कर लूँगा। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोगों को रूम मिल गया, बटर मैडम नीचे घुस गई है। रूम तो अच्छा खासा बड़ा है और एक लोकल है, उनका ना मैरिज होम है, तो वहीं पे हम लोगों को रूम मिल गया। और तो कुछ था नहीं यहाँ पे, अपेरेंटली जितने भी लोग बोल रहे थे कि रूम लॉजर ऐसा है इस गांव में, ऐसा कुछ नहीं है, पर लकीली हम लोग को मैरिज होम मिल गया है, तो हम लोग आराम से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। फिलहाल बटर मैडम और मेरे लिए मैंने खाना मंगा लिया है, आ रहा है थोड़ी देर में, बाकी मैं आपको एक बार रूम दिखाता हूँ अच्छे से। ऐसा कुछ रूम है और ये हम लोगों को मिला है 500 रुपये में, नीट एंड क्लीन है, क्योंकि हम लोग गाँव के इलाके में तो ऑफ कोर्स बेसिक ही हम लोगों को अकोमोडेशन मिलेगी, बट मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, आप देख सकते हो। हम बटर मैडम जो है नीचे घुस गई हैं, सो रही हैं वहाँ पे, बटर को सोने देते हैं, फ्रेश होते हैं फिर काम करते हैं बढ़िया। तो इस खाने का समय हो गया है, पराठा और दही, बटर के लिए दही और रोटी दी मैंने, फिर बटर मैडम भाग गई। बटर क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे? अरे थर्ड डे में शाम को लाऊंगा, काम करना होगी। अच्छा ठीक है, लेके आता हूँ, खाओ इतने, ये तो खाओ। अच्छा ठीक है खाओ खाओ, लेके आता हूँ, मैं इस बटर के आइसक्रीम लाएंगे, पर अभी पहले आलू पराठे पे ध्यान देते हैं। हेलो गाइस, तो सुबह से शाम हो चुकी है और खाने का समय हो गया है, काफ़ी काम किया मैंने बैठ के, और बटर मैडम ने जो रेस्ट किया। बाकी ये बटर को आइसक्रीम तो नहीं मिली, बट एक बहुत बेटर ऑप्शन मिल गया बटर के लिए मेरे को, बेटर तो नहीं पर आइसक्रीम जैसा ही, वो है लस्सी। मेरे को लस्सी दिखाई दे रही, तो मैंने कहा बटर के लिए लस्सी खेलते हैं। बटर मज़ा आ रहा है, कैसी लग रही है लस्सी? हाँ बेटा, हर जगह लस्सी भी नहीं मिलती, चुपचाप खाओ मजे करो। नहीं नहीं ज़्यादा मीठा नहीं, आज के लिए हो गया, जो प्रॉमिस किया था वो पूरा हो गया है। नहीं ना, तो तुम बेटा खाओ चुपचाप। ऐसा है गाइस, बटर को खा लेते हैं, बाकी अभी खाना मेन आ रहा है बटर मेरा, मैंने अपने लिए थाली मंगाई है, बटर के लिए कर्ड राइस मंगाया है। तो गाइस बटर मेरा आज का जो है टोटल वो 900 रुपये आ रहा है, रूम का मिला के, खाने का ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मिला के, और आज के लिए इतना ही है, कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सर्वे पे, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।